आज मैं कुछ कहानी दिखाता हूँ मरीज मेहनती और मजबूर और मरीजों की। अच्छा मरीज मैंने बोल दिया था क्या? तो मैं घंटा भर हो गया बोलते हुए चलो 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 हॉस्पिटल चलो, पर नहीं मैं तो आलू के पराठे खा के जाऊंगी। कितना झूठ बोलते हो, आलू के पराठे ही है? आलू के पराठे ही है? अरे यार जो भी है यार, ये है पनीर के पराठे, तो नाश्ता करके जाएंगे ना। तुम नहाए हुए तो लग नहीं रहे हो। अभी मैं जब वो करने जाऊंगी ना डॉक्टर के पास, तो नहा के जाऊंगी। नाश्ता बना लेते हैं ना, नाश्ता करके जाएंगे आराम से। गम्मी देखो कितनी हो रही है, दीदी को भी गम्मी लगती है यहाँ पे, पता देखो गैस से। हाँ सिकाई सिकाई ढक्कन, ये हमारा राजकुमार। क्या है विश्री? हार्ट हार्ट। नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट मिलते हैं आपको हॉस्पिटल। बिचू क्या कर रहे हो आप? ये पानी तो मम्मा ले आएगी, आप रहने दो, आ जाओ अंदर। है बिचू आओ अंदर आओ। हाँ इधर आओ बिचू, छोड़ दो उसको बेटा, मम्मा ले आएगी। आओ आप इधर आओ। अच्छा आप लाए हो, ये देखो मेरा मेहनती बच्चा। ओए ओए मेरा बच्चा, विशु रहने दो बेटा, दर्द हो जाएगा। हाँ तो पानी तो ला रहे हो आप, पर आपसे नहीं आएगा। आप रहने दो, आओ अंदर आओ आओ रहने दो। अरे मम्मा ले आएगी विशु। गाइस पानी की बोतल आ गई है और मैं नहीं उठा पाती हूँ ना बोतल, तो सारा दिन यहीं रखी रहती है। और विशु ने अभी देखा है कि पानी की बोतल दोनों आ गई हैं, सो वो पूरी कोशिश करते हुए पानी अंदर लेके आ रहे हैं। शाम को इसमें जी आते हैं ना, तो वही उठा के रख देते हैं बोतल को ना। विशु रहने दो, ये देखो अभी नहाई नहाई करिए, पूरे पैर गंदे हो गए हैं आपके। और पानी अगर अंदर आ जाता है ना, तो मैं यहीं पे इसको खोल के और यहीं से पानी ले लेती हूँ फिर ना, क्योंकि बहुत 10 लीटर का है, तो 10 लीटर तो मैं नहीं उठा सकती। ओह ओह इतनी मेहनत, ओह ओह अलार्म छे विशु, आप तो बहुत प्यारे बच्चे बन गए मम्मा के, इतने प्यारे बच्चे। ओ माय गॉड, गेट भी बंद कर दी। ओ माय स्वीट बच्चा। गाइस अश्विन जी भी हेल्प करते हैं और विशु भी हेल्प करते हैं। शाम को जब अश्विन जी आते हैं ना, तो वही पानी अंदर रखते हैं, बट अभी देखो हमारे राजा बेटा वहाँ तक लेके जाएंगे, किचन तक। विशु आप छोड़ दो, आप रहने दो, ओके चलो हैंड वॉश करो। नहीं बाहुबली, आज आपको पता है नवरात्रि का लास्ट डे था डे, और पूजा वगैरह सब मैंने कर दी थी। ये देखो ये देखो, ओ मेरा स्वीट बच्चा, देखो पानी यहाँ पे रखा जाता है ना। थैंक यू विशु, थैंक यू थैंक यू। बस बेटा बस, मेरा बच्चा बस, हाथ दिखाओ, अभी गंदे हो गए, दिखाओ हाथ। ओ वाह
वेरी गुड कर दो। कैसे? और गाइस मैं आपको ना दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाला बोतल में थोड़ा सा पानी है, ये खाली है और ये खाली है, ये भी खाली है और ये थोड़ा सा है और ये भी खाली है और ये भी थोड़ा सा है। बस इसी बोतल में पानी है और शाम तक यही बोतल मेरे को चलाना है। विशु का छिपर भरा हुआ है और देखते हैं फिर रश्मि जी आते हैं। अगर मेरे को पानी की ज़रूरत होती है तो मैं यहीं पे इसको ओपन करती हूँ, ओपन करके, और कभी कभी अगर ज़रूरत होती है तो हल्के हाथों से खिसका भी लेती हूँ। विशु हैंड वॉश करो चलो अभी। हाँ गाइस मैंने यहाँ पे पूजा भी कर दी है, देखो आज थोड़ा सा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। और ये है देखो माता रानी का प्रसाद जो कि थोड़ा थोड़ा हमने खा लिया है और थोड़ा थोड़ा बचा है। सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और मॉर्निंग में आपने देखा कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मॉर्निंग में आपने देखा पराठे बने थे गर्मा गर्म और आज विशु को रेडी कराया है विशु के डैडा ने, है ना विशु बोलो। हाँ बोलो। मैं गाइस विशु एक ना चीज बहुत अच्छे से बोलते हैं, मैं क्लिप लगा दूंगी, आगे लगाऊंगी या लास्ट में लगाऊंगी, सो मैं उस क्लिप को ऐड कर दूंगी। और कल वाला विशु का वीडियो भी देखना आप, विशु कितनी मेहनत करते हैं अपनी मम्मा के लिए। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आगे वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, दो तीन दिन पहले वीडियो शूट किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। डरी इसलिए हूँ क्योंकि जब ब्लड निकालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, पेन होता है और एज अ एक यूट्यूबर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पंखा मैंने बंद कर दिया इस कमरे में, एसी नहीं है, सो बहुत ही गर्मी महसूस हो रही है मुझे अभी। और मैंने ये सूट वेयर कर लिया है ना, तो ये थोड़ा सा ढीला ढीला सा है, तो मुझे ना ढीले कपड़े वेयर करना बहुत पसंद है अभी के टाइम में। मैं टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। बेसिकली क्या होता है मैं गाउन पहन के रखती हूँ। सो अभी क्या है ना विशु भी मेरे साथ बहुत एडजस्ट करते हैं हर चीज़ के लिए, मतलब वो इतने ज़्यादा समझदार हो गए, उनको पता चल गया है कि मम्मी किसी चीज़ के लिए तो पॉजिटिव, मतलब किसी ना किसी चीज़ के लिए तो परेशान है, मतलब कुछ ना कुछ नया होने वाला है जिसके लिए मम्मी बोलती है। और उसको पता भी चल गया है कि बेबी आने वाला है। सो वो रात में जब सोते हैं ना तो मैं अगर उनको बोलती हूँ, पैर हाथ बहुत ज़्यादा चलाते हैं ना बच्चे, चलाते ही हैं अपनी मम्मा के साथ, सो अगर मैंने उसको बोल दिया कि विशु बेबी नो, तो एकदम से अपने पैर हटा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना। बेबी को भी पता चल जाता है कि अब विशु बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और अश्मित जी को गर्मी लग रही है, अश्मित जी बोल रहे हैं फ़ैन ऑन कर दो, सो मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मेरे कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं, आगे वीडियो में मैंने आपको बताया है। मैंने तैयारी एक भी टेस्ट नहीं करी है, कोई पढ़ाई नहीं करी है। नहीं ऐसा कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, वो ब्लड निकलेगा ना तो थोड़ा सा। और आजकल पता है मैं आपको क्या ही अपने बारे में बोलूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता है। एटलीस्ट वीडियो बनाना मेरे को चाहिए पर मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, मैं वीडियो भी नहीं शूट करती हूँ क्योंकि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं होता है। और फेस पे पिंपल्स बहुत सारे निकल गए हैं, आप देखो ये काले काले भी हो गए हैं। और क्या बोलते हैं ना, खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है मेरा, ये मेरा शुरू से ही है। पता नहीं पहले वाली प्रेगनेंसी मेरी कैसी गई है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला है, बट इस प्रेगनेंसी में मुझे दादी नानी मम्मी पापा सब याद आ गए हैं। और आपको पता है बस माता रानी से यही प्रे करती हूँ फटाफट से इशू आ जाए और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। टाइम पूरा लगेगा। हाँ वो तो लगेगा, बस हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, बस माता रानी से यही प्रे करती हूँ। विशु की बहन मैं और अश्मित जी हैप्पी फैमिली। सो विशु आपको बोल के दिखाएंगे, मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे क्लिप्स। विशु मम्मा पापा हैप्पी फैमिली बोलो। मैं विशु मम्मा पापा
फैमिली हो जाएगा। विशु पता है बहुत ज़्यादा हैप्पी है अपनी बहन के आने की खुशी में, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो होना ही है ना, क्योंकि विशु को भी तो पता चलना चाहिए ना उसका भाई कितनी बेसब्री से उसका वेट कर रहा है। तो और अभी चलते हैं फटाफट से डॉक्टर के पास, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और आज मैं बता दूँ, अश्विनी जी की छुट्टी है तो हम मॉर्निंग में ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, हम शाम में जाते हैं, बट अभी आज अश्विनी जी को ऑफिस नहीं जाना था तो आज हम मॉर्निंग में जा रहे हैं। तो चलते हैं और शूट हो पाया तो करेंगे। और हाँ, आज हमें डीमार्ट भी जाना है क्योंकि थोड़ा सा सामान लेके आना है। यहाँ पे ना कोरोना का सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, शाम में लॉकडाउन लग जा रहा है। तो हम डीमार्ट भी चले जाएंगे थोड़ा सा सामान लेने के लिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चलते हैं, आके सारी चीज़ें बताएंगे क्या हुआ कैसे हुआ। मैंने बोल तो दिया कि मिलते हैं डायरेक्टली आपको डॉक्टर के पास, पर ये अश्विनी जी जो है ना लास्ट मोमेंट पे सब कुछ बिगाड़ देते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर को फोन करो। यस, डॉक्टर को फोन करो, क्या पता ना हो। यही तो देखो ना, अभी पूरा रेडी कर दिया और बहुत गंदे है ये। चलो मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ पहले ना। लगाओ फटाफट, लगाओ, चेंज करो। ये सस्ता वाला तुम निकाल मतलब लगा रहे हो और महंगा वाला निकाल रहे हो, सही है। कोई बात नहीं, ना पार दें कैसे, ना पार दें मारा को मत। खून है भी आपके पास? ये बीमार है, पापा ही बीमार है, मारा क्या था? मामा पापा मां पापा मम्मी बनी सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेने के लिए, और उन्होंने सबसे पहले जाते ही हमारा मास्क निकलवा दिया, या तो बोला कि टू लेयर मास्क लगा लो, तो मुझे सफोकेशन होता है तो मैंने यही वाला लगा लिया। बोल रहे थे कि ये वाला ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो अभी मेडिसिन लेते हैं उसके बाद चलेंगे घर। अभी हमने मेडिसिन ले ली है और डॉक्टर ने सारी ही चीजें ओके ओके बोली है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। और उसी बीच में क्या हुआ, बात करते करते डॉक्टर से मेरा फोन टूट गया है, और अश्मित जी अभी बोल रहे हैं कि मैं नया फोन नहीं दिलाऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली नहीं दिलाना है, क्योंकि अभी सडनली हमने ये फोन लिया है और विशु ने भी ये दो तीन बार गिर दिया है, और मेरे से भी आज हॉस्पिटल में ये फोन नीचे गिर गया। तो अभी देखते हैं इसके अंदर वाली स्क्रीन टूटी है या बाहर वाली टूटी है, वो तो घर ही जाके चेक करेंगे। थोड़ा सा सामान लेने के लिए डीमार्ट जाना है, डीमार्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, डीमार्ट से हमने सामान ले लिया है और घर का ही सामान लिया है जो भी होता है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले ली है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसलिए ले ली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। रसना भी ले लिया है, चीन भी ले लिया है, गुलकोंडी भी ले लिया है, और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी ले ली है। और विशु बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि विशु का डार्क वाला चॉकलेट भी ले लिया है, डार्क चॉकलेट वाला बिस्किट भी ले लिया है। तो यही सारा घर का सामान लेना था, और अभी हम जाएंगे सामान को लेके घर।
घर। सामान यहीं छोड़ देंगे, अश्व जी कह रहे हैं। विशु ऑरेंज पहले बताओ, ऑरेंज का है ऑरेंज पिंक। देखो हम घर आ गए हैं और ये कोरियर भी आ गया था। कोरियर की बात अभी बताती हूँ मैं आपको। और अश्मित जी ने सारा का सारा सामान देखो यहाँ पे सजा दिया है। अभी मेरे को खाना भी बनाना है और अभी भी खोले पड़े हैं। अश्मित जी क्या चाहिए आपको इसमें से बता दो मुझे, क्या चाहिए आपको? हाँ खून पीना है। और गैस हमारा ना केचप भी खत्म हो गया था, मैं ना बॉटल लाने की सोच रही थी पर अश्मित जी ने बोला इसमें ज़्यादा बेनिफिट है बॉटल से, तो बॉटल को धो देंगे और फिर उसमें उसको डाल देंगे, ठीक है। और आजकल मुझे ना ये वाला कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, व्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए ऑलमोस्ट व्लॉग बड़ा ही हो गया है। सो मैं बता देती हूँ आपको, मेरे को अभी नेक्स्ट मंथ जाना है चेकअप के लिए। सो ये मंथ तो चला गया और हर मंथ में ऐसा होता है ना, जैसे कि कोई हम वो देते हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और फिर जाके रिजल्ट आता है कि सब ठीक ठाक है या नहीं है। सो ऐसे ही होता है, हर मंथ हमें चेकअप के लिए जाना होता है। सो आज का सारा कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आपने देखा ब्लड मेरा मतलब टेस्ट हो गया है और रिपोर्ट शाम तक आएगी जिसको देने के लिए अश्मित जी जाएंगे। सो अभी मेरे को खाना बनाना है। और इसी बीच में पता क्या हुआ था, कोरियर वाले का फोन आ गया था। कोरियर वाला बोलने लगा अब वो खत्म हो गया, विशु अभी ये खत्म हो गया है। फिर अश्मित जी घर पे आए फटाफट, फिर कोरियर लेके फिर दोबारा से हॉस्पिटल आए। तो ऐसा हुआ। अभी इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा पूछी कर दो, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलो मैं बोलो फोटो 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 बोलो। विशु के कपड़े चेंज करने हैं अभी, मुझे भी चेंज करना है। बताओ आप कैसे हो? कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? कैसे हो? खाना खाया? अभी खाया। अभी खाया? अभी खाया। वन टू सुना दो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू नहीं 23 कहाँ गया, 24 कहाँ गया?